हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक सॉल्ट लेकर आया हूँ। इसके पहले भी मैंने दो वीडियो बनाया था एसिड बेसन सॉल्ट से रिलेटेड। उस दोनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा और उस टॉपिक को आगे बढ़ाता हुआ ये वीडियो है सॉल्ट्स, जिसे आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो देखते हैं हमारा टॉपिक सॉल्ट्स। तो सॉल्ट्स के बारे में आप लोग पहले से भी परिचित हैं, रोज डेली लाइफ में हम लोग सॉल्ट का यूज़ करते हैं खाने में। जो खाने में यूज़ करते हैं वो कॉमन सॉल्ट होता है और जिसे NaCl के नाम से जाना जाता है। तो NaCl के नाम से जो जाना जाता है सॉल्ट, इस तरह से और भी बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जिन्हें हमें पता नहीं होता है, वो लेबोरेटरी में यूज़ होता है। तो हम सारे सॉल्ट को आज समझेंगे। तो सबसे पहले सॉल्ट कैसे बनता है, कौन सा ऐसा रिएक्शन जिस सॉल्ट बनता है। द फॉर्मेशन, एक्चुअली में सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है जो डिसोसिएट होकर के आयन में टूट जाता है, कैटायन और एनायन में। तो देखते हैं सॉल्ट जो है, द सॉल्ट इज एन आयनिक कंपाउंड। सॉल्ट क्या है, एक आयनिक कंपाउंड है, कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में आप लोग ने पहले भी सुना होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। वो एसिड और बेस के बीच होने वाले रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा। किसके किसके बीच में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, एसिड और बेस के बीच में। तो हम इसे दिखा सकते हैं, एसिड और बेस जब रिएक्शन होगा तो नया प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम होगा सॉल्ट एंड वाटर। इसको मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने एक एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आप लोग परिचित होंगे इससे, और एक बेस ले लिया NaOH, ये भी कॉमन बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इससे जो बनने वाला सॉल्ट है NaCl, जिसे हम लोग टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से ये सॉल्ट बनाने की प्रोसेस है। तो अब मैं सिलेबस को कुछ आगे बढ़ा रहा हूँ। NCERT CBSE सिलेबस में हमें सॉल्ट के फैमिली के बारे में भी जानना है, जो जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है, हमें उस फैमिली को भी पहचानना होगा। तो मैं उसे बताने जा रहा हूँ, फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट्स को पढ़ने के लिए हमें कुछ सॉल्ट का नाम लिखना होगा और उस सॉल्ट्स के माध्यम से पहचानने की कोशिश करनी होगी कि ये किस फैमिली का सॉल्ट है। कभी कभी एग्ज़ाम में आस्क हो सकते हैं ये क्वेश्चन CBSE में कि ये सॉल्ट के कौन से फैमिली से बिलोंग करता है। तो मैं नेक्स्ट जो बताने जा रहा हूँ, फैमिली ऑफ सॉल्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। जैसे मैं कुछ सॉल्ट लिख रहा हूँ, सोडियम सल्फेट्स, पोटासियम सल्फेट्स, मैग्नीशियम सल्फेट्स, आप ये देख रहे हैं तीनों सॉल्ट है। तीनों सॉल्ट में कॉमन क्या आप पा रहे हैं, सफिक्स में जो सल्फेट लगा हुआ है, सल्फेट सल्फेट, ये तीनों में सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम तीनों में सल्फेट है। तो इसको हम लोग सल्फेट फैमिली का सॉल्ट कर सकते हैं, फैमिली ऑफ सॉल्ट ऑफ, सॉरी, सॉल्ट ऑफ सल्फेट फैमिली। बहुत आसान है इसे समझना, ज़्यादा हमें 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, माता पच्ची ज़्यादा नहीं करना है, हमें सिलेबस को ध्यान में रखते हुए CBSE बोर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स कैसे ला सके, वो ज़्यादा हमें डाइवर्ट नहीं होना है किसी भी टॉपिक में, हमें एक्यूरेट पढ़ना है जो हमें नंबर लाने में मदद करे। इसके अलावा नॉलेज और भी हमें बढ़ाना है, तो बहुत सारे बुक्स से, बहुत सारे वीडियो जिसे आप देख सकते हैं हायर क्लासेस के, लेकिन अभी हमें टू द पॉइंट चलना है। अब हम एक और फैमिली के बारे में डिस्कस करता हूँ, जैसे NaCl, Na2SO4, NaNO3, ये तीनों सॉल्ट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, तीनों में कॉमन क्या है, प्रीफिक्स कॉमन है सोडियम, तो इसे हम सॉल्ट ऑफ सोडियम फैमिली भी कर सकते हैं, सॉल्ट ऑफ सोडियम फैमिली। बहुत आसान है गाइस इसको समझना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या है। तो सॉल्ट का फैमिली जानने के बाद अब हमें ये पता करना होता है कि सॉल्ट कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था pH स्केल के बारे में, जिसमें मैंने ये बोला था कि pH का जो रेंज होता है वो 0 to 14 होता है। तो हम उसी के माध्यम से सॉल्ट को, सॉल्ट के pH को मेजर कर सकते हैं। तो pH के अनुसार अगर सॉल्ट pH <7 होता है, वैसे सॉल्ट जो होंगे एसिडिक कहलाएंगे। ऐसे सॉल्ट क्या होंगे, एसिडिक सॉल्ट होंगे, तो जिनका pH 7 से बिलो है। जबकि अगर pH <7 है तो वो न्यूट्रल सॉल्ट होंगे, न्यूट्रल सॉल्ट
और जो डस्ट है पीएच मोर देन 7, तो 7 से ज़्यादा है उनकी पीएच, तो वो बेसिक सॉल्ट हो जाएंगे। किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए समझने में कि एसिडिक सॉल्ट पीएच लेस देन 7 होगा, न्यूट्रल पीएच इज इक्वल टू 7 होगा, और जबकि बेसिक पीएच मोर देन 7 होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो सॉल्ट जो बना, हमारा जो रिएक्शन था जिससे मैंने सॉल्ट बनाया एसिड और बेस के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के द्वारा, उस रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में जानते हैं। कक्षा 7 से ही हम लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो देखते हैं कि कौन सा एसिड कौन सा बेस डाला जाए जो कि ऐसा सॉल्ट क्रिएट होता है। तो अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड अगर लिया जाए और स्ट्रॉन्ग बेस अगर लेते हैं, तो इस प्रकार से बने सॉल्ट जो होंगे न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएंगे, ना ही वो एसिडिक होंगे ना ही वो बेसिक होंगे। एग्जाम्पल इसका एक रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड में तो HCl भी आता है जिसका पीएच 1.2 के करीब होता है, और स्ट्रॉन्ग बेस में NaOH होता है जिसका पीएच 14 के करीब होता है। तो इस दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पर बेस भी स्ट्रॉन्ग है। तो इस प्रकार से बनने वाले सॉल्ट जो होंगे वो न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएंगे, यानी NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है जिसे हम लोग अपने भोजन में यूज करते हैं, फूड में यूज करते हैं। उसी प्रकार से स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस तो हो गया। अब अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड ले रहा हूँ अगेन और वीक बेस ले रहा हूँ, वीक बेस, तो इससे बनने वाले जो सॉल्ट होंगे वो एसिडिक सॉल्ट होंगे, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रेंथ एसिड का ज़्यादा है, तो वो इस प्रकार से बने सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में अगेन हम HCl रख सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वीक बेस में हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रख सकते हैं, वाइल्ड बेस है MgOH ओल टू, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम वीक बेस के रूप में रख सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड के बदला वीक एसिड लिया जाए, वीक एसिड्स और बेस को स्ट्रॉन्ग बना दिया जाए, स्ट्रॉन्ग बेस, तो इस प्रकार से बने सॉल्ट जो होंगे बेसिक सॉल्ट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस स्ट्रॉन्ग है। सो गाइज, हमको ये कन्फ्यूज नहीं है, हम लोगों को ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि कौन सा एसिडिक सॉल्ट होगा कौन सा बेसिक। देखना होगा कि वो बना किससे है, स्ट्रॉन्ग एसिड से बना सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस से बना सॉल्ट बेसिक सॉल्ट हो जाएगा। लेकिन एक उसमें एक बिक और एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जब दोनों स्ट्रॉन्ग होगा दोनों बिक होगा तो वो जाकर न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरह का इसमें कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ अपने टॉपिक की ओर कि सॉल्ट तो मैंने बना दिया। आप लोगों ने सॉल्ट के बारे में हिस्ट्री में भी डिस्कस किया होगा, हिस्ट्री में जब आपने पढ़ा होगा नमक आंदोलन, महात्मा गांधी का डांडी मार्च सॉल्ट के लिए जो हुआ था, वो बेसिकली जो सॉल्ट महात्मा गांधी ने जो आंदोलन किया था डांडी मार्च, वो नमक आंदोलन को नमक कानून को तोड़ने के लिए, वो बेसिकली NaCl के लिए था, सोडियम क्लोराइड के लिए हुआ था स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में। NaCl ही निकालने की बात हो रही थी समुद्र से, समुद्र के पानी से, और कानून को तोड़ा गया था। तो NaCl यानी सी वाटर, यानी हम कह सकते हैं सी वाटर इज द मेन सोर्स ऑफ मेनी सॉल्ट्स। अच्छा, आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि सी वाटर का टेस्ट कैसा होता है, नमकीन होता है। कोई भी खारा पानी होगा समुद्र का खारा पानी ही होगा, जबकि मीठे पानी का जगह झील होगा, नदी होगा, रिवर होगा। तो सॉल्ट, बहुत सारे सॉल्ट सी वाटर में होते हैं। जैसे एग्जांपल, सी वाटर इज अ मेन सोर्स ऑफ मेनी सॉल्ट्स, उसमें एग्जांपल सोडियम क्लोराइड भी हो सकते हैं, पोटेशियम क्लोराइड भी हो सकते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड भी हो सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड भी हो सकते हैं, बहुत सारे सॉल्ट उसमें मिक्स होते हैं सी वाटर में। और जो सी वाटर से जो सॉल्ट हमें प्राप्त होता है खाने का, वो NaCl है। इसे हम लोग केमिकल प्रोसेस के द्वारा इसका यूज़ करते हैं खाने में और बनाया जाता है सॉल्ट। अब हम जानना चाहेंगे कि सी वाटर से जो हमें सॉल्ट प्राप्त होता है, क्या और भी ऐसे जगह है जहाँ से सॉल्ट हमें प्राप्त हो सकता है? हाँ, है। तो उसे हम लोग बोलते हैं रॉक सॉल्ट। किस नाम से जानते हैं? रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट का फॉर्मूला KCl होता है, पोटेशियम क्लोराइड। एक्चुअली में बहुत सारा नमक आपने देखा होगा, काला नमक, सेंधा नमक, खाने वाला जो जनरल टेबल नमक है, टेबल सॉल्ट जिसे NaCl बोलते हैं, तो रॉक सॉल्ट एक तरह का सेंधा नमक है जो उसका पहाड़ वर्ल्ड के सारे जगह पर फैला हुआ है। जहाँ जहाँ पर वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री में इस तरह के पहाड़ हमें देखने को मिलते हैं, जिसे हम लोग रॉक सॉल्ट बोलते हैं। ये पहाड़ कुछ और नहीं बल्कि जो करोड़ों अरबों साल पहले जो हमारे अर्थ पर जो
अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा तो टेक्टोनिक वगैरह, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में पढ़ा होगा, तो समुद्र वगैरह सूख गए तो उसके नीचे जो पहाड़ थे वो ऊपर आ गए, ऊपर आ गए तो वो नमक का पहाड़ आज भी है। और उसी से रॉक सॉल्ट माइनिंग प्रोसेस के द्वारा, जैसे हम लोग कोल निकालते हैं कोयला, कोयला के खदान से उसी प्रकार नमक निकाला जाता है, माइनिंग किया जाता है सॉल्ट का, माइनिंग करके ये सॉल्ट हमें मिलता है। ये जनरली इम्प्योर होते हैं तो उस गंदगी रहती है तो उसको प्यूरीफाई कर लिया जाता है, और इस तरह के सॉल्ट भी खाने में यूज़ होता है, रॉक सॉल्ट, उसे रॉक सॉल्ट बोलते हैं। तो रॉक सॉल्ट के बारे में भी हमारी कॉन्सेप्ट क्लियर होगी कि ये एक पहाड़ है फिक्स जिसके द्वारा हम लोग नमक प्राप्त करते हैं। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसका बच जाता है गाइस, वो है बहुत सारे केमिकल्स जो है सॉल्ट से बनाए जाते हैं, क्योंकि सॉल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे केमिकल का ये रॉ मटेरियल्स है जिसे जिससे हम लोग बहुत सारे केमिकल्स बना सकते हैं। तो NaCl को कह सकते हैं, NaCl एक तरह का, NaCl इज द रॉ मटेरियल्स फॉर मेनी केमिकल्स, बहुत सारे केमिकल्स बनाने का ये एक रॉ मटेरियल्स है। तो कैसे कैसे केमिकल्स का हम निर्माण कर सकते हैं इस NaCl से, खाने वाला नमक से, उसको हम लोग देखते हैं। तो गाइस इससे बहुत सारे केमिकल्स का हम लोग फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहला है जो केमिकल हम प्रिपेयर करेंगे वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का नाम सुना होगा आपने, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है NaOH। तो फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने वीडियो बनाया हूँ गाइस, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल लूँगा, कैसे फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है, आसान तरीका क्या है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा साल्ट है, ये भी साल्ट ही है, यह बेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हम कॉमन साल्ट से ही बनाएंगे इस खाने वाला नमक के, जिसको हम लोग बोलते हैं NaCl। तो NaCl से ही हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे गाइस, इसको देखते हैं, इस रिएक्शन को समझते हैं। तो NaCl को एक्विस सॉल्यूशन ले लिया जाता है, वाटर के साथ रिएक्शन करा करके इसमें करंट, इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कराया जाए, इलेक्ट्रिक करंट तो इससे हमें NaOH प्राप्त होता है, और साथ ही साथ दो प्रकार के गैस भी प्राप्त होते हैं जिसे क्लोरीन एंड हाइड्रोजन गैस बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड्स है इसको हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, कास्टिक सोडा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। कास्टिक सोडा बनाने का जो विधि है वो हमारा NaCl से ही बनता है, ये रॉ मटेरियल है, और ये जिस प्रोसेस से ये रिएक्शन काम करता है उस रिएक्शन का नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें दो चीज़ प्राप्त हो रहा है, और NaOH जो एक अल्कली है, क्लोरीन, इसी के नाम पर रखा गया है क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोरीन चूंकि नेगेटिव आयन है तो वो जाएगा पॉजिटिव की ओर, यानी जो इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करवाएंगे तो उसमें जो दो रॉड होता है उस कार्बन रॉड, एक एनोड के नाम से जाना जाता है, एक कैथोड के नाम से जाना जाता है। एनोड पॉजिटिव होता है तो क्लोरीन नेगेटिव पॉजिटिव वाले के पास जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयनिक है, पॉजिटिव आयन है तो वो जाएगा नेगेटिव की ओर, यानी कैथोड की ओर जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि कास्टिक सोडा का जो फॉर्मेशन है वो NaCl से ही हो जाता है। इसका अब इसका यूजेस क्या है, यूजेस में भी हम लोग आते हैं, यूजेस इसका क्या क्या है। तो इससे बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं हम लोग, इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी यूज़ कर सकते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज़ करते हैं। एक और कंपाउंड है बोरेक्स, फॉर्मेशन ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स बनाने के काम में भी ये आता है। बोरेक्स एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, Na2B4O7, ये बोरेक्स का फॉर्मूला है गाइस। और भी ऐसे बहुत सारे यूजेस हैं इनका, जिसको हम लोग इसके कर सकते हैं, PBC पेस्टिसाइड वगैरह वगैरह बहुत सारे यूज है फॉर मेकिंग पीबीसी। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस रिएक्शन का यूज करके हमने सोडियम क्लोराइड के मदद से ही मैंने बनाया एक नया कंपाउंड जिसका नाम था कास्टिक सोडा NaOH, और इस NaOH का भी बहुत सारा यूज़ है। तो अब मैं देखता हूँ दूसरा क्या बन सकता है, दूसरा बनाऊँगा जो पहला से NaCl से ही बना है, क्लोरीन। इस क्लोरीन का यूज़ करके अब मैं दूसरा प्रोडक्ट बनाने जा रहा हूँ। तो दूसरा जो कंपाउंड बनेगा वो होगा
ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है केमिस्ट्री में गाइज, उसको याद रखना है अच्छी तरह से। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर जिसको जिसका यूज जनरली वाटर में जर्म्स को मारने के लिए किया जाता है, इसका जो फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसे बोल सकते हैं गाइस। तो इसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं क्लोरीन के माध्यम से, तो इसके लिए हमें एक ड्राई स्लैग लाइम लेना होगा। स्लैग लाइम का फॉर्मूला मैंने अपने पहले वीडियो में बनाया था, तो उसमें मैं लिंक डाल दूंगा। तो उसका जो फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स, ये ड्राई लेना है, ये ड्राई स्लैग लाइम है, इसे जनरली हम लोग ड्राई स्लैग लाइम के नाम से जानते हैं लेबोरेटरी में, वैसे ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड्स से अगर हम क्लोरीन को पास कराएं तो एक नया कंपाउंड फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो आप देख पा रहे हैं कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जो है एक नया कंपाउंड है जिसे ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसके साथ ही साथ वाटर भी फॉर्म होता है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर सारे फार्मूला गाइज आपको नोट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे हमारा बेसिक्स तैयार होगा। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मैंने बनाया क्लोरीन के मदद से, तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि रॉ मटेरियल जो NaCl है उससे मैंने दूसरा केमिकल्स कंपाउंड बनाया। अब इसका यूजेस क्या है गाइज, जैसा नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग इट इज़ यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर, एकदम इम्पॉर्टेंट है। किसी रिएक्शन में ऑक्सीडाइजेशन कराना हो, ऑक्सीडेशन करवाना हो, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। ब्लीचिंग ब्लीच हेल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज गाइज, पेपर इंडस्ट्रीज जहाँ पेपर बनता है जिस पर हम लोग लिखते हैं, उसको सफाई के लिए, पेपर इतना साफ नहीं होता है जितना साफ आपको दिखता है, उसमें ब्लीच किया जाता है। हेल्प इन पेपर इंडस्ट्रीज, वुड इंडस्ट्रीज में भी यूज होता है, क्योंकि जो भी पेपर बनता है वुड पल्प, उस पल्प से ही बनाया जाता है पेपर, उसमें भी इसका यूज किया जाता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि कैसे कंपाउंड बनता है और उसका यूजेस क्या है। ये दूसरा कंपाउंड था, अब मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ थर्ड कंपाउंड्स कि और क्या बनाया जा सकता है रॉ मटेरियल जो NaCl, उससे और कौन से केमिकल कंपाउंड बनाए जा सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। सारे प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है साल्ट के, साल्ट से बनने वाले, क्योंकि CBSE में बराबर ये प्राय पूछे जाते हैं, इसे अच्छी तरह से बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से क्या होगा, आपको रिएक्शन समझ में आएगा। जहाँ तक बैलेंस करने की बात है उसे मैं पहले ही वीडियो के माध्यम से बता दिया हूँ, आप उसे आसानी से बैलेंस कर सकते हैं ट्रिक से। तो नेक्स्ट जो केमिकल कंपाउंड में बनाने जा रहा हूँ वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तीसरा जो मैं बनाने जा रहा हूँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, जिसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं गाइस। सोडियम बाइकार्बोनेट भी एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है, उसे भी हम लोग बनाते हैं लेबोरेटरी में, उसमें भी हम लोग NaCl का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जो रॉ मटेरियल लेना है वो NaCl ही होगा, NaCl, उसमें अमोनिया का भी यूज़ कर लेंगे, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ कर लेंगे, उसमें वाटर का यूज़ कर लेंगे। जब सारे को मिलाकर रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जिसका नाम होगा अमोनियम क्लोराइड, साथ ही साथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट बनाने का तरीका। तो इसमें मैंने क्या यूज़ किया हूँ, सोडियम क्लोराइड, ये रॉ मटेरियल है बहुत सारे केमिकल्स बनाने का, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो इसके मदद से हमने बनाया अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इसके पहले मैंने रिएक्टेंट में क्या लिया था, अमोनिया, ध्यान से देख सकते हैं अमोनिया, और ये जो नया बना प्रोडक्ट सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अगर हम मैं इसको हीट करूँगा NaHCO3, जो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसे बेकिंग सोडा बोला जाता है, बेकिंग सोडा, जिसका नाम है बेकिंग सोडा।
तो हमने क्या बनाया, बेकिंग सोडा बनाया। ये बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है, बेकिंग सोडा नाम है। जब हम लोग फूड को क्रिस्पी और टेस्टी बनाने लगते हैं, पकौड़ा बनाते हैं तो उसमें डालते हैं तो वो क्रिस्पी बन जाता है, टेस्टी बन जाता है। साथ ही साथ फास्टर कुकिंग में ऐड किया जाता है ये पाउडर, बेकिंग सोडा जो है फास्टर कुकिंग। अगर आपका खाना जल्दी बनाना है, अगर कोई चीज़ ऐसा है जो गल नहीं रहा हो, तो फिर उसमें एक चुटकी भर पिन पॉइंट डाल दिया जाए तो फिर ये खाना को जल्दी बनाने में मदद करता है, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन करता है और इस प्रकार से खाना जल्दी बन जाता है। तो बेकिंग पाउडर का, बेकिंग सोडा का यूज़ घर में, हाउस होल्ड में किया जाता है। साथ ही साथ बेकिंग पाउडर जो है, बेकिंग सोडा जो है, एक माइल्ड बेस है। क्या है ये? माइल्ड बेस है। तो माइल्ड बेस का मतलब हो गया ज़्यादा बेसिक ना होना, वीक बेस, माइल्ड बेस के नाम से जाना जाता है। और इसका यूज़ हम लोग एंटी एसिड बनाने में भी करते हैं। अभी मैंने क्या प्राप्त किया? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। अब उस बेकिंग सोडा को भी मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, उससे मैं एक और केमिकल्स बनाऊंगा, उसको भी आप ध्यान से देखें। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaHCO3। तो अगेन मैंने NaHCO3 ले लिया और अगर मैं उसको हीट करता हूँ तो एक नया प्रोडक्ट बनता है, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 वाटर, CO2 गैस भी रिलीज होता है। इस प्रकार का आप प्रोडक्ट देख सकते हैं कि मैंने जो इस बेकिंग सोडा जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, उसको हीट करने पर जो नया प्रोडक्ट बन रहा है ये सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट, अब ये बेकिंग, अब मैं एक चीज़ और क्लियर यहाँ पर कर देना चाहता हूँ कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। अभी तो मैंने बेकिंग सोडा बनाया हूँ, अब बेकिंग पाउडर कैसे बनता है? जब बेकिंग सोडा में, ये खाने वाला सोडा में, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा टार्टरिक एसिड को मिला लिया जाए, टार्टरिक एसिड्स एक ऑर्गेनिक एसिड्स है, तो मिला लिया जाए तो बेकिंग पाउडर बन जाता है गाइस, बेकिंग पाउडर। अभी मैंने सोडा बोला, अब मैं पाउडर बोल रहा हूँ। बेकिंग पाउडर भी फूड इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें बहुत सारे फूड में, केक इंडस्ट्रीज में, ब्रेड इंडस्ट्रीज में इस बेकिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है, जिससे डो फूल जाता है, ब्रेड फूल जाता है, स्पंजी हो जाता है, केक वगैरह इतना स्पंजी कैसे होता है, इसी कारण बेकिंग पाउडर डालने से, क्योंकि वो रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है जो स्पंजी बनाता है ब्रेड को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट बेकिंग पाउडर, जो बेकिंग सोडा से बनाया जाता है टार्टरिक एसिड मिक्स करने के बाद। अब मैं नेक्स्ट प्रोडक्ट देखने जा रहा हूँ, इसका यूजेस क्या क्या हो सकता है भाई। चूँकि ये एक माइल्ड बेस है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक माइल्ड बेस है, तो यूज़ किया जाएगा एंटा एसिड में। कभी कभी हम लोगों को अनपच की शिकायत होती है तो हम लोग क्या पीते हैं, बेसिक सॉल्यूशन लेते हैं, तो उसमें एंटा एसिड में ये डाल करके बनाया जाता है। तो यूजेस, यूज इन मेकिंग एंटा एसिड सॉल्यूशंस। एक जो और इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट इसमें यूजेस है, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर। नाम सुना होगा आपने, लेबोरेटरी में भी यूज़ किया होगा प्रोजेक्ट बनाने में, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने के काम में होता है, एक्सटिंग्विशर भी इससे बनता है। तो इसका यूजेस जो है, यूज इन मेकिंग एंटी एसिड्स सॉल्यूशंस और सोडा फायर एक्सटिंग्विशर्स के बनाने के लिए ये इसका यूज़ किया जाता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अब चलते हैं और कौन सा केमिकल्स ऐसे हैं जो हमें प्राप्त हो सकती है, तो नेक्स्ट की ओर चलते हैं। देख रहे गाइस कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं ये सारे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, जिसे हमें याद रखना है, जिसे हमें प्रैक्टिस करना है, इसे बार बार रेगुलर हमें प्रैक्टिस करना पड़ता है, तभी हमारे हम लोगों के दिमाग में ये ठीक से फिट करता है। तो गाइस इसे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें। तो नेक्स्ट केमिकल्स मैं बनाने जा रहा हूँ, उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर तो मैंने बना दिया हूँ, अब मैं बनाना जा रहा हूँ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसका जो फॉर्मूला होता है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट भी इसको बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट्स, कैल्शियम
सल्फेट हेमी हाइड्रेट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, आप हेमी हाइड्रेट इसका यूज कर सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट है कैल्सियम प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये भी एक बनाया जाता है साल्ट से ही, जिसका नाम है कैल्शियम सल्फेट्स, जिसको जिप्सम बोला जाता है। कैल्शियम सल्फेट लिया जाता है जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O, इसे हम लोग जिप्सम के नाम से जानते हैं। जिप्सम जो मेनी सीमेंट इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है। अगर इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए या 373 कैल्विन पर गर्म किया जाए, बात बराबर है, दोनों अलग अलग टेम्परेचर का यूनिट है, तो ये CaSO4 और हाफ H2O में बदल जाता है, साथ ही साथ जो 1.5 मॉलिक्यूल्स वाटर है वो अलग हो जाता है। यानी आप देख सकते हैं कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मेशन हो रहा है, POP, तो एक और नया केमिकल्स का फॉर्मेशन हो गया। अब जो इसमें लास्ट आता है गाइस, वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जिसे हम लोग धोने वाला सोडा भी बोलते हैं, वॉशिंग सोडा कपड़े साफ करने में यूज़ होता है, बहुत सारे डिटर्जेंट में ये मिलाया जाता है। इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है Na2CO3। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूजेस मैं लिख दे रहा हूँ, प्लास्टर यूज इन होम डेकोरेशन। होम डेकोरेशन का मतलब दीवार वगैरह अगर हम लोग देखते हैं किसी के यहाँ या अपने घर में, तो डेकोरेट करने के काम में आता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का लेयर चढ़ाया जाता है, मेकिंग टॉयज, बच्चों के खिलौना बनाने के लिए मेकिंग टॉयज, साथ ही साथ डॉक्टर जो फ्रैक्चर बोन्स को मरम्मत करने के लिए, या उसको बोल सकते हैं कि उसको सही पोजीशन पर लाने के लिए जो प्लास्टर किया जाता है, उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। डॉक्टर्स यूज इन फ्रैक्चर्ड बोन, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी बहुत सारा यूज है। अब ये लास्ट जो साल्ट है वॉशिंग सोडा, Na2CO इसका फॉर्मूला है, पूरा फॉर्मूला जो आप देख सकते हैं कि वॉशिंग सोडा में सोडियम कार्बोनेट Na2CO है, इसमें 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर लगा हुआ है। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी से बोलते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स वाटर जरूरत है किसी भी कंपाउंड को क्रिस्टल में कन्वर्ट होने के लिए, और जब उतना मॉलिक्यूल्स वाटर, जितने मॉलिक्यूल्स से ये क्रिस्टल बने अगर हटा दिया जाए तो वो फिर से पाउडर में बदल जाते हैं। रिक्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन करने पर मैं देखता हूँ, इसे समझाता हूँ आपको फिर से, इसे मैं वॉशिंग सोडा को बताने जा रहा हूँ। पहले वॉशिंग सोडा, जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे डिटर्जेंट्स में यूज़ किया जाता है, तो ये बनता कैसे है, इसका बहुत ही सिंपल रिएक्शन है गाइस, जिसमें सोडियम कार्बोनेट्स को लिया जाता है Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर से इसे रिएक्शन करवा दिया जाता है, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मेशन होता है Na2CO3 Na2CO। बहुत आसान है। तो 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज नीडेड रिक्वायर्ड टू फॉर्म सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, वॉशिंग सोडा ही है, इसको डेकाहाइड्रेट वॉशिंग सोडा। यूजेस में वॉशिंग क्लोथ्स भी हो सकता है गाइस, वॉशिंग क्लोथ्स टू प्यूरीफाई वाटर, वाटर को शुद्ध करने में भी इसका यूज होता है, टू प्यूरीफाई वाटर। तो इस प्रकार गाइस देख सकते हैं कि हम लोग कितने सारे केमिकल्स का फॉर्मेशन किए सॉल्ट से। तो और भी ऐसे ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है जो हायर क्लासेस में पढ़ना है और हमारे लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन सबसे पहले हम लोग जो क्लास 10 में हैं उसके बेसिक्स को मजबूत कर लें, जिससे कि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम समस्या ना हो। तो आपको अच्छी लगी होगी, कैसी लगी हमारी वीडियो, अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, और जो भी अगर ऐसा लगता हो कि इस टॉपिक में कुछ कमी रह गई तो कॉमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं गाइस। थैंक यू।